बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा के टूल बॉक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और आज जिस टूल के बारे में हम पढ़ेंगे वो टूल्स हैं आपके सामने, ये तमाम टूल्स जो हम पढ़ने वाले हैं। इन टूल्स को आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके सामने, ये इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल, इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल, इंटरेक्टिव इनवेलप टूल, इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल और ड्रॉप शैडो, ये टूल आप इस टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे और आज हम इन टूल्स को तफसील से समझेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। और अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और बाकी वीडियो आपने नहीं देखी हैं कोरल ड्रा की हमारी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी तमाम प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है जिसके अंदर तमाम टूल बॉक्स और मेन्यू और कोरल ड्रा के प्रोजेक्ट्स अलग अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। वो उन प्लेलिस्ट को आप ओपन करके तफसील से वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा कर लेते हैं। इसके साथ आप ये देखें कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने कलर कर दिया है और एक और ऑब्जेक्ट साथ में या इसी की हम एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं राइट क्लिक करके। ये देखें, अब हम देखते हैं कि इसका क्या काम है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का। ये क्या करता है कि ये आप इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे ब्लेंडिंग कर देगा। देख लीजिए कि अब मैं इसको जिधर भी अप करूँगा तो ये इसका ब्लेंड हो चुका है, इसके साथ मिक्स हो चुका है। ये देखें ब्लेंडिंग हो गई है, देखें ब्लेंड हो गया। ये आप इसी चीज़ को टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा राना, अब आप देखिए कि ये आपके सामने, इसकी मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी ऊपर की, यहाँ ऊपर लाया और मैंने साथ में इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक से ऊपर लेके गया और राइट क्लिक से मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली। इसको थोड़ा मैंने छोटा कर लिया है, ये देखें, और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे कलर मैंने ये रखा हुआ है, यहाँ पे ये। अब मैं इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ, इसको रखा और यहाँ से पकड़ के इसके साथ हमने अटैच कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इसके साथ देखें ब्लेंड हो गया। तो आप इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से, चाहे राइटिंग हो, और अब आप इसको जिधर आप लेके जाओगे ये उसी हिसाब से आपकी ब्लेंडिंग उसको शो करेगा। वो देखें, ये देखें, ये तो यूँ आप लोग, और इस पर कोई कलर आपने चेंज करना है तो आपने देखें ये आप लेफ़्ट और राइट कलर से आप इसकी कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, तो यूँ आप लोग ब्लेंड टूल को ऑब्जेक्ट के ज़रिए या आप लोग अपनी राइटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास जो मौजूद है वो इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल है। आप उसके ज़रिए जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे टूल को, तो देखें ऊपर उसका टूल बॉक्स आ चुका है। ठीक है, मैं इसको ऊपर, ये देखें यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इधर तमाम चीज़ों को आप उसी हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स की
आप अलग अलग सेटिंग्स देख सकते हैं। जो भी आप कलर यहाँ पे देंगे उसी हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इधर इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करके आप इस टूल के ज़रिए आप इन बॉक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखें कि इसको मैं जब पीछे करूँगा तो इस तरह से इसकी सेटिंग आपके सामने है, लाइंस वगैरह। तो यूँ आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये देख लीजिए, ये आपके सामने आपका टूल है जो यहाँ पे इस जगह पे आप ये देख सकते हैं सेकंड वाला। इसकी मदद से आप ये इस तरह से ग्राफ पेपर जो है ये बॉक्सेस बनाते हैं इसके अंदर, और आप इनमें आप इस तरह से तब्दीली कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँगा और ये आप देख सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह आप लोगों ने यूज़ किया है इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल। इसके बाद जो हम देख रहे हैं डिस्टॉर्शन टूल है, जिसके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट को, राइटिंग को मुख्तलिफ डिस्टॉर्शन के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैंने एक अदद ये बॉक्स लगा दिया है। अब मैं इसको डिस्टॉर्शन टूल को इस्तेमाल करूँगा इसके ऊपर। यहाँ पे देखें, ये मैंने डिस्टॉर्शन टूल को लिया। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसके मज़ीद उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। ये वाला एक्शन ऑन है तो देखें ये शेप बन गई है, ठीक है। और अब अगर मैंने नेक्स्ट ऑप्शन को ऑन किया है तो ये देखें कि ये शेप बन गई है। इसके बाद कंट्रोल जेड दबा के मैं इसको वापस कर देता हूं, और इसके ऊपर तीसरे पे ऑन किया है तो देखें कि अब ये शेप बन गई है। और यहाँ पे आप इसकी मदद से आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, साइड्स को जो है, ठीक है। और यहाँ से आप मज़ीद इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं शेप में, जैसे आप करना चाहें। तो यूँ आप इसको जो भी आप इसमें तब्दीली करेंगे वो तमाम की तमाम तब्दीली उसके अंदर आएगी, चाहे आप वो तब्दीली आप टेक्स्ट में करना चाहें। तो देखिए, मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे मैंने लिखा है राना, और अब ये देखें, अब आपके सामने ये मैंने इसको टूल को लिया, और आप देख सकते हैं कि बस आपने पकड़ के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको माउस को आपने ड्रैग कर देना है, तो ऑटोमेटिकली टूल के ऊपर वो रिज़ल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये आप इसको लें, यहाँ पे ऑप्शंस, इसको ऊपर जैसे भी आप करेंगे उसी हिसाब से आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं, और आपकी राइटिंग उसी हिसाब से उसमें तब्दील हो जाएगी। देखिए, अपने आप एक अच्छा सा फॉन्ट आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। चाहे आप इसको किसी लाइन पे, ऑब्जेक्ट पे, सर्कल पे, रेक्टेंगल पे, पॉलीगॉन पे या टेक्स्ट पे, कहीं पे भी आप इनको आप यूज़ कर सकते हो इस टूल को। तो ये टूल था आपके सामने जो आप लोगों ने देखा तीसरे नंबर के ऊपर। ये डिस्टॉर्शन टूल है जिसके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ डिस्टॉर्शन शेप में ला सकते हो। चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास इनवेलप टूल है, और इसके ज़रिए भी आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट और राइटिंग पे काम कर सकते हो। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें, इसके ऊपर ये आपके सामने ये पॉइंट बन गए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के अंदर ड्रैग करूँगा तो देखिए ये शेप ऐसे आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगी। इसको मैं अगर यहाँ से ऊपर कर दूँगा आपके सामने तो ये देखें कि ये शेप ऐसे बन जाएगी। इसी तरह से किसी भी जगह से आप एक नई शेप इसके अंदर इन्वेलप शेप आप उसमें आप बना सकते हैं, राइटिंग के ऊपर भी और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। देखिए, मैं अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तैयार कर रहा हूँ और मैंने ये इनवेलप टूल को यूज़ कर लिया है, तो देखें ये पॉइंट आपके सामने आ गए हैं। मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और अंदर की तरफ कर दिया है तो देखें कि ये शेप बन गई है। यहाँ से
मैं डबल क्लिक करके भी शेप अलग से ले सकता हूँ अगर उन पॉइंट्स की मदद से, नहीं तो मैं डबल क्लिक करके एक नए पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा तो वो शेप जो है वो एक नई शेप में एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए ये मैंने पॉइंट पकड़ा है और मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो यूँ आप लोग देख सकते हैं कि आप जैसी शेप चाहें आप बना सकते हैं इंट्रैक्टिव एनवेलप टूल के ज़रिए। आगे आपके पास है इंट्रैक्टिव एक्सट्रूड टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग इंट्रैक्टिव एक्सट्रूड टूल के ज़रिए एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने, यानी ये 3D शेप में शिफ्ट हो गया। इसको मैं कलर करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए कि ये 3D शेप आपके सामने बन चुकी है। ये देखें, ये 3D शेप है, ठीक है। चाहे राइटिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, उसको आप आसानी से, ये देखें ये पॉलीगॉन है, इसको मैंने एक्सट्रूड करना है, इसको रखा और ये देखें कि ये मैंने इसको 3D बना दिया। तो ये देखें कि ये 3D एक्सट्रूड बन चुका है, एक्सट्रूडिंग हो गई है, तो वो ऑब्जेक्ट 3D हो गया। आप ये देख सकते हैं कि ये 3D मौजूद है। चाहे आपने किसी टेक्स्ट को इस तरह से करना है, आप उसको 3D आप कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं अपनी राइटिंग को भी। राइटिंग लिख लीजिए कोई भी, यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे मैं राना लिखता हूँ, तो अभी आप ये देखिए कि ये आपके सामने। अब मैं यहाँ पे एक्सट्रूड टूल को इस्तेमाल करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये 3D शेप में आपके सामने आ चुका है। इस पे मैंने राइट क्लिक कर दिया है और ये आप देख सकते हैं कि आपको ये 3D जो है शेप में राना लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने। तो यूँ आप लोग अपनी किसी भी टेक्स्ट को भी आप 3D कर सकते हैं एक्सट्रूड के ज़रिए। और इसमें आखिरी जो हमारे पास ये टूल है, इंट्रैक्टिव ड्रॉप शेडो टूल। ये शेडो, इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ये मैंने देखें सर्कल लगा दिया है आपके सामने, इसको मैंने ये ग्रीन कलर कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे इंट्रैक्टिव ड्रॉप शेडो को लेता हूँ और मैंने देखें कि ये मैंने इसका शेडो ड्रॉप करवा दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका शेडो ड्रॉप हो चुका है और ऊपर जो है ये इसके शेडो की तमाम सेटिंग्स हैं कि आपको कैसे शेडो चाहिए, ठीक है। बॉटम में आप देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिए कि ये शेडो बॉटम में नीचे आ चुका है, यहाँ पे देखिए। और इसी तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ इसके पास आपके पास, ये देखिए लेफ़्ट के ऊपर आपने करना है, राइट पे लगाना है और फ्लैट आपको चाहिए तो यूँ। और यहाँ से इसके कलर हैं शेडो के, तो ये आप शेडो के कलर्स वगैरह आप लगा सकते हैं। तो ये शेडो आप लोग ड्रॉप करवा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर भी। तो मैं यहाँ पे फिर देखें, मैंने राना लिखा है और अब मैंने इसका शेडो ड्रॉप करवाना है, तो ये देखिए कि ये आपके सामने, ये मैंने शेडो इस तरह से इसको ड्रॉप कर दिया, तो देखिए वो शेडो वहाँ पे चला गया। अब इस शेडो का भी आप उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो कलर आपने करना है वो आप लोग कर सकते हैं, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि आपको किधर उस शेडो को आपने क्रिएट करना है, वो शेडो आप उसी तरह से उसमें बना सकते हैं। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि कैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने टेक्स्ट के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए इन तमाम के तमाम टूल्स को। यूँ आप लोग इस्तेमाल किया इन तमाम टूल्स को और समझ लिया है कि कैसे ये तमाम टूल्स आपके लिए काम करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले टूल के साथ। अल्लाह हाफिज़।